तो भाई और बहनों, आज से एक दिन पहले की बात है, मैंने एज यूजुअल जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और मैंने सोचा यार इस पे जैसा मेरा हर बार व्यूज आते हैं वैसे आएंगे, मतलब कि लगभग 30-40 हज़ार व्यूज आएंगे। लेकिन भाई तुम लोग ने तो 4 डाला यार, मतलब एक दिन में 100K व्यूज कौन देता है भाई। थैंक यू सो मच यार, मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू बहुत ज्यादा छोटा वर्ड है, मतलब कि यार जो 15-20 हज़ार व्यूज आते हैं जो बंदे के और उसको एकदम से 100K व्यू हो जाए तो उसका कैसा रिएक्शन रहेगा। कतई ट्विस्ट वाला पार्ट ये आता है कि मैंने बोला था कि भाई अगर आप लोग करा देते हो 5000 लाइक तो मैं 4th पार्ट लेके आऊंगा इसका, जो कि मैंने सोचा था कि 2 दिन में हो ही जाएंगे। लेकिन भाई यार मतलब मेरे को लगा कि यार हो सकता है 2 दिन में हो जाएंगे, बट यार मेरी सोच से तो परे निकले तुम। 5000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं।15,000 रूपए नहीं दे सकता, 150 रूपया देगा। हाँ पता था मेरे को, 150 से ज्यादा की तेरी औकात है भी नहीं। हाँ तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि यार ये आप लोग के 2GB रैम वाले फोन में आराम से चल जाएंगे और ये 5ों गेम भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई प्ले स्टोर में मैंने कहीं से भी उठा लिए, बहुत ज्यादा यूनिक गेम्स है एंड मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई किए एंड देन मैंने ये 5ों गेम को सिलेक्ट किए एंड पिछले गेम्स की तरह भी ये भी बहुत बढ़िया होने वाले हैं। और यार मैं आप लोग से ये कहने वाला था कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है एंड मैंने जस्ट रिसेंटली GTA 5 को बाय किया है एंड तो मैं सोच रहा हूँ ना कि यार अब मैं ना GTA 5 और माइनक्राफ्ट की सीरीज चालू करूँ, तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग को सीरीज चाहिए, मतलब क्या आप लोग उस पर इंटरेस्टेड है। फिर से लाइक मांगूंगा मैं, यस यस यस, अगर इस वीडियो पे आ जाते 10,000 लाइक, जो कि आ जाएंगे शायद, आ जाएंगे ना। हाँ तो अगर इस वीडियो पर आ जाते 10,000 लाइक तो मैं GTA और माइनक्राफ्ट दोनों में से कोई एक चीज की स्टार्ट करूंगा सीरीज, लेकिन अपने सेकंड चैनल में। सो मेक श्योर आप लोग उसे चेकआउट कर ले, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये वाले चैनल पे आ रही है और आप लोग वेट करते रह जाएंगे एंड मैं वहां पर अपलोड भी करते रहूंगा। अरे हाँ, मैं लोगों के कमेंट कैसे भूल गया भाई, अगर मैंने बोला था कि अगर इस वीडियो पर आते 5000 लाइक तो मैं पार्ट 4 लाऊंगा, लेकिन भाई उस पर तो 10,000 लाइक आ गए ना, तो ये बंदा बोल रहा था कि भाई सेकंड 5वां पार्ट लाओ। वाह यार, चलो यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पंकी इंसान 2.0। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वो करना फ्री है, आप लोग को बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, और साथ ही यार नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर देना। नाउ लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट वाला गेम निकल के आता है, इसका नाम है लॉस्ट माइनर और ये एक 2D गेम है एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई मेरे को सबसे बढ़िया गेम लगा ये। और यहाँ पर ना न्यू वर्ल्ड आप लोग को जनरेट करना पड़ेगा, रैंडम सीट भी डाल सकते हो। अब जनरेटिंग वर्ल्ड हो रहा है मेरे यहाँ पर, ओ भाई साहब ऐसा दिखता है ये, खेल चुका हूँ मैं, कैसा रिएक्शन दे रहा हूँ मैं। ट्यूटोरियल को मैंने स्किप कर दिया, मेरे को सिखा रहा था ये गेम। और भाई ये बतख लोग ना बहुत खतरनाक है, मेरे को मार रही है, अब तेरे को मारूंगा मैं, बी दबा दबा, अरे मेरे को ही मार दिए रे भाई। अब मैंने इसे माइनक्राफ्ट में क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज यार इसका ग्राफिक्स देखो भाई, मतलब माइनक्राफ्ट जैसे दिखते हैं और यहाँ पर ये जो अबे बदक रहती है माइनक्राफ्ट में तो अरे अचीवमेंट भी मिलता रहे इस पे माइनक्राफ्ट जैसा। इस पे डिग डाउन करने के लिए आप लोग को नीचे और बी दबाना पड़ेगा, तो आप लोग डिग डाउन कर लेंगे एंड मैं यहाँ पर कोल नहीं खोद पा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर मिट्टी खोद सकता हूँ फिलहाल, बिकॉज अभी मेरे पास पिकैक्स नहीं है। छी भाई मैं बहुत गरीब हूँ इस पे। और ऊपर करने के लिए आप लोग को ए दबाना है और ऊपर वाली बटन दबाना है एंड बूम मैं ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पर ना आप लोग को विलेजेस भी मिलते हैं भाई। ओ हेलो, तू मेरे को कुछ सेल करेगा यहाँ पर सेल, अरे ट्रेड भी कर सकते हैं इससे भाई, क्या दे रहा है ये मेरे को समझ भी नहीं आ रहा भाई, नहीं रहने दे भाई, मेरे को नहीं करना तेरे से बाय। तो इस वाले गेम को जरूर से ट्राई करना, बढ़ते नेक्स्ट गेम की तरफ। नेक्स्ट गेम का नाम है लंदन क्राफ्ट। अबे मेरी एज क्यों मंग रहा है भाई, शादी वादी करवाना है क्या, एज मंग रहा है मेरी, तो यहाँ पर मैं अपनी एज डालता हूँ फिलहाल, मैं 10 साल का बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे कतई मॉडर्न गेम दिख रहा है, और ये ऊपर से मेरे को स्पॉन किए हैं, यहाँ पर बस बस भी खड़ी है क्या हम, अरे बस चला सकते हैं लिटरली भाई, इसे बस चला सक रहा हूँ मैं। और यहाँ अरे मैं उतर रहा हूँ भाई, मेरे को पसंद नहीं है बस। और यहाँ पर कार भी चला सकते हैं, लेकिन मेरे को ये सब अभी नहीं चलाना है, यहाँ पर मैं बंदों को ढूंढ रहा हूँ यार। अरे यहाँ पर लोग भी हैं, पुलिस भी है यहाँ पर। ओ हेलो, आपका नाम क्या है, इधर तो आओ, आपका नाम गाइस। इस पे क्रिएटिव मोड भी है, लिटरली यार क्रिएटिव मोड है इस गेम में, क्या क्रिएटिव मोड है तो है। और यहाँ पर ना तुम लोग ब्लॉक भी तोड़ सकते हो कुछ इस टाइप से, यहाँ पर डिलीट वाले बटन को क्लिक करना है। और ये क्या निकला भाई, ये क्या खजाना वजाना निकल गया, ओ ये कुछ मैप टाइप का है। तो यार ये वाले गेम को ना तुम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करना भाई, यहाँ पर तो मेरे को गाड़ी चलाने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कुछ बंदे बंदियां भी खड़े हैं, समझ रहे हो, नहीं। हमारे 3rd नंबर के गेम का नाम है सर्वाइवल क्राफ्ट 2। और यार ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है सामने से, चलो इसको खेल के देखते हैं, मैंने अभी से पहले से कभी नहीं खेला है। और यहाँ पर सर्वाइवल ही मैं रहने देता हूँ इसे मैं। और यहाँ पर लोडिंग वर्ल्ड, ओ यहाँ पर बंदा भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, साइबर पंक जैसे। हाँ बेटे साइबर पंक ही निकलेगा ये भी। अरे भाई कितनी सिनेमैटिक एंट्री,
अरे गाना इतना बड़ा जहाज जा रहा है, छोड़ दिया इसको रे रस्ते में। अरे भाई यार जहाज चला गया, इसको छोड़ दिया यार, सेट लाइफ हो गई इसकी। और यहाँ पर भाई ग्राफिक थोड़े बहुत ठीक ही दिख रहे हैं, और ये माइनक्राफ्ट की कॉपी कर लिया है इनने भी, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई हरियाली बहुत बढ़िया है, हरियाली को कुछ नहीं बोलेगा। और भाई ये किसको कोई कॉपी नहीं बोलेगा, भाई ने बनाया ये गेम, मैंने नहीं बनाया। अरे इन्वेंट्री से हम लोग इसके भाई कपड़े भी निकाल सकते हैं, मतलब ये देखो भाई, मतलब ये जो पहना ना कैप वैप बन रहा है, इसे निकाल दिया। अबे ये नहीं निकलती भाई यार, भाई की जिंदगी में एक तो वैसे ही सैड है, वैसे ही दुख है, और भाई मैंने इसके अलग ये कपड़े अपने निकाल दिया। ठीक ठाक ही गेम है यार, मैं उतना अच्छा तो नहीं लगा, मेरे को तो थोड़ा फ्रॉस्टी लगा यार, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ये जो हमारा नेक्स्ट वाला गेम है ना, मैं इसको इंक्लूड नहीं करने वाला था, लेकिन भाई जब मैंने इसे खेला ना, तो मैंने सोचा यार इसे इंक्लूड कर देना चाहिए। इस वाले गेम का नाम है टावर क्राफ्ट, एंड आप लोग को यहाँ पर ना अपनी फिंगर्स को कुछ इस टाइप से करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, मैं वहाँ वहाँ पर अपनी फिंगर्स को कर रहा हूँ, मैं फिंगर दिखा तो सकता नहीं हूँ ना हैंड कैम में, लेकिन आप लोग को ऐसा कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक प्लेस होते जाते हैं। और यार लिटरली सही बता रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग गेम है ना, मतलब ये जो ब्लॉक गिर रहे हैं ना, आप लोग को इससे टावर बनाना पड़ता है, एंड लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं तो भाई प्रीफर करूँगा कि आप लोग इसे जरूर ट्राई करना चाहिए, इसका नाम है टावर क्राफ्ट, आप लोगों को पूरा का पूरा एक टावर बनाना पड़ता है। डेवलपर सर को मैं सिर्फ यही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो ना, वैसे बहुत कम चांसेस है कि अगर वो वीडियो को देख रहे हैं, तो यार इस पे एक चीज इंप्रूवमेंट करो भाई, इसको फुल स्क्रीन में ले आओ यार, ये वाली स्क्रीन में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट कोई नहीं यार, फुल स्क्रीन में और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस जिस वाली गेम में सिर्फ यही था, बढ़ते नेक्स्ट वाली गेम की तरफ। तो हमारे लास्ट गेम का नाम है मास्टर ब्लॉक क्राफ्ट 3D, और ये यहाँ पर कुछ लोडिंग ले रहा है। भाई क्या लोडिंग ले रहा है, ये इतना भी बड़ा गेम नहीं है भाई, ऐसी लोडिंग वोडिंग मत लिया करो यार, ऐसा तो लोड हो रहा है जैसे 110 GB का गेम होगा। खैर एनीवेज यहाँ पर लोड हो चुका है, और ये यहाँ पर मैंने अभी सर्वाइवल में रखा है, और यहाँ पर मैं अभी डर्ट तोड़ता हूँ। भाई हाथ देख रहे हो, बंदे का हाथ टूटा शोल्डर से, लेकिन भाई तब भी इसको खोदना ही है। खैर एनीवेज यहाँ पर आप लोग इसे प्लेस भी कर सकते हो, जैसे कि माइनक्राफ्ट में कर सकते हो, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट की कॉपी है ना, तो आप लोग देख सकते हो कि भाई ये ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पैट्रिक्स वाला टेक्सचर पैक लगा दिया है ना, लग रहा है वैसे ही। और यहाँ पर मैं पेड़ भी काट सकता हूँ, और पेड़ भाई ऐसे चुटकियों में कट गया मेरा, और ये बर्च है शायद, यस बर्च है। और आप लोग को भाई यहाँ पर ना सामने पे इन्वेंटरी पे मात्र 5 ब्लॉक रखने का दिखता है, और भाई शार्क घूम रही है नदी में, शार्क कब से घूमने लगी भाई, मेरे को ये समझ नहीं आया। मैं 3 पार्ट से लगातार बना रहा हूँ, और भाई ये कॉपी गेम में ना ज्यादातर सेप लगे लगाए दिखते हैं, इवन माइनक्राफ्ट में लगे हुए नहीं दिखते, वहां पर आप लोग लीव तोड़ते तब जाके आप लोग को एप्पल मिलते हैं, भाई अलग ही लॉजिक है गेम के। और यहाँ पर भाई थर्ड पर्सन भी कर सकते हो तुम लोग। तो इन 5 के 5 गेम में से आप लोग को सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा, मुझे हैशटैग करके जरूर बताना, हैशटैग लिखना एंड देन वो लिख देना, नहीं तो YouTube तुम्हारा पता नहीं क्या करेगा। तो हाँ ये कर देना, और साथ ही यार कमेंट करना मत भूलना, और लाइक करना जरूरी ही है, और साथ ही यार सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे हाथ नहीं पकड़ रखा है मैंने, लेकिन यार सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा ना, हमारे जल्दी से जल्दी 1 मिलियन भी तो करना है ना हमारे। और साथ ही सिल्वर प्ले बटन भी मैं अपना रिवील करूंगा जब भी आ जाएगा। तो बस सिर्फ इस वीडियो में यही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, वैसे मैं एक बार बोल चुका हूँ। और साथ ही यार हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप लोग ने बोले थे भाई एक दिन के अंदर मैंने फटाफट, एक दिन नहीं भाई अभी करके मैंने लगभग 4-5 घंटे के अंदर इस वीडियो को बनाया है, एंड स्क्रिप्टिंग के साथ साथ सब चीज़ करना पड़ता है। वैसे स्क्रिप्टिंग नहीं करता मैं, देख देख के नहीं बोलता, मन में जो आता वो बोल देता हूँ, अब ऐसा नहीं किसी को गाली बक दूँ। तो सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग को अपना स्पंकी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।